फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम 9 साल से 10 साल के बच्चे के लिए गरारा की कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने कुर्ती की कटिंग की थी, उसी में फैब्रिक बचा हुआ था, तो हम इसी में गरारे की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें कपड़े को खोल लेना है और अच्छे से बिछा लेना है ताकि इसमें एक भी श्रिंक ना हो। अब हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसे फोर्थ फोल्ड कर लेंगे। हमने फोर्थ फोल्ड कर लिया है। अब हम गरारे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से बराबर कर कट कर लेंगे ताकि हमारे गरारे की कटिंग सही से आए। अब हम इसमें से ऊपर वाली पोर्शन यानी निकर की कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम ऊपर 2 इंच का मार्क करेंगे, जो कि हमारा फोल्डिंग वाला निशान होगा जब हम लास्टिक डालेंगे। मार्क किए हुए निशान पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम निक्कर की लंबाई पर निशान लगाएंगे। निक्कर की लंबाई हमारी 15 है, तो हम 17 पे मार्क कर लेंगे क्योंकि 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से निशान लगाने से हमारे निशान कभी तिरछे नहीं होते हैं, तो हम पूरे में इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम हिप राउंड यानी कमर का मार्क करेंगे। जिस तरह कपड़े की खुली साइड है, ये ध्यान रहे कि कपड़े की खुली साइड ही आसन का मार्क करना है। हम इसमें हिप राउंड 7.5 पर मार्क करेंगे और उसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो 9 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। आप चाहो तो 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो। लाइन से टेप रखते हुए क्रोच यानी आसन का निशान लगाएंगे। जितना हिप राउंड लिया है उससे 1 इंच ज़्यादा लेकर क्रोच का मार्क कर लेंगे। हिप राउंड हमने 9 लिया है, तो हम क्रोच यानी आसन का निशान 10 पे करेंगे। अब टेप को इस तरीके से रख कर हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम राउंड नी पे मार्क करेंगे। राउंड नी 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, तो हम 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हमने इस तरीके से इसमें गोलाई दे देनी है और इस वाले मार्क पे 1 इंच पे निशान लगाकर उसी तरीके से इसमें भी गोलाई दे देनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। ये कट हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो हमें ये पता चल जाए कि ये हमारा फोल्डिंग वाला निशान है। हमने निक्कर की कटिंग कर ली है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे की कटिंग हम अपने हिसाब से करते हैं। घेरा हमें जितना रखना है हम उतना ज़्यादा कपड़ा लेके निशान लगाएंगे। अगर हमें कम घेरा रखना है तो हम कम पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाकर हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। हमने डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमने इस तरीके से एक लेग की कटिंग कर ली है और हमने दूसरे लेग की भी कटिंग इसी तरीके से कर लेनी है। इस तरीके से दोनों पोर्शन निकल आए हैं दोनों लेग्स के लिए। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।